उस तरह से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां रफ्तार की कहर के बीच पांच वाहन आमने सामने की टक्कर हो गई जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हादसा SH-55 मोहनपुर आठमोढाला के समीप हुई है। बताया जा रहा है कि एक चावल लदे ट्रक और कंटेनर की टक्कर हुई और इसके चपेट में आने से तीन अन्य वाहन पर सवार यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि स्थानीय मुफस्सिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला मुख्यालय के क्लिनिक भेजे जा रहे हैं। जो है सो ये जो है सो FCI वाला ट्रक आ रहा था कुछ चढ़ करके दाहिना और इधर से ये टैंक लोरी आ रही थी, बस उसी में दोनों में टकरा गया। एक मोटरसाइकिल बाइक सवार था जो है सो पैर फ्रैक्चर हो गया। बाइक सवार का कोई पता चला कहाँ के रहने वाले थे? बेगूसराय का था, बेगूसराय का था। अब इसमें क्या होगा, ये तो चावल पूरा सरकारी अनाज है, यहाँ अंधेरा भी हो रहा है और अंधेरा हो रहा है और यहाँ जो है ना बाइक जो है सो नीचे ट्रक के नीचे दबा हुआ है। जी। एक सिंगल ही उठा जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, यही स्थिति है। जी। और इस स्थिति में जो जाना समझ लीजिए। हादसा का वजह जो है सो ये ट्रक जो है FCI का जो था ना वो दाहिना चढ़ करके आ रहा था ना और इधर से ये मंझौल की तरफ जा रही थी FCI वाला ट्रक और उधर से वो जो है सो टैंक लोरी जो है सो बेगूसराय की तरफ जा रही, इसी में दोनों में टक्कर हो गया। तो स्पीड का वजह है और कहीं कोई वजह नहीं है। इसमें कुछ हताहत भी हुआ है किसी का? कुछ अरे एक व्यक्ति जो है सो बाइक सवार जो है सो FCI का जो ट्रक था उसके नीचे में दब गया, उसको किसी ढंग से पब्लिक निकाल करके बेगूसराय भेज दिया है और उसका अब हाल पैर का फ्रैक्चर है। अब जो आदमी का आदमी जो कुछ नहीं हुआ है, एक ट्रक एक टैंकर दो एक कार एक एक मोटरसाइकिल। आपको बता दें कि यहाँ पिछले मोटरसाइकिल वाले इसमें जो दब गए उनका सिर्फ पैर टूटा पैर और किसी को कोई हताहत नहीं, पैर कट गया। देखिए कितना खतरनाक हादसा है। अच्छा आप ये बताइए कि ट्रक टक्कर कैसे मारा यहाँ पे? ये ट्रक दोनों स्पीड में था, दोनों आ रहा था, स्पीड में होगा। सर के मारा टंकलोरी में। ये देखिए इस पे